हे दोस्तों, हिंदी रिव्यू चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है साहिद और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड में बनी अब तक की कुछ टाइम ट्रैवल मूवीज के बारे में। टाइम ट्रैवल फिल्मों के शौकीन तो बहुत लोग हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि बॉलीवुड में टाइम ट्रैवल पर अब तक कुछ गिनी चुनी फिल्में ही बनी हैं, जिसमें से कुछ अच्छी गई हैं और कुछ उतनी खास नहीं है जितना कि हमने सोचा था। लेकिन फिर भी एक टाइम ट्रैवल फैन के लिए ये फिल्में ठीक ठाक हैं, जिसे आप सभी को जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 बेस्ट बॉलीवुड टाइम ट्रैवल मूवीज के बारे में। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटे को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, फंटूस। फंटूस फिल्म कॉमेडी से भरी हुई है, जिसकी कहानी एक 10वीं सदी के ताज के इर्द गिर्द घूमती है। वो ताज जिसे 21वीं सदी में एक चोर चुराने की कोशिश करता है, वहीं तीन दोस्त जो खाली बैठे हैं वो इसी ताज की सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन फिर भी ताज गायब हो जाता है और इल्जाम इन लोगों पर आता है। पुलिस इनके पीछे पड़ी है और ये लोग भाग रहे हैं। भागते भागते वो एक दीवार से टकराते हैं और वो 10वीं सदी में पहुंच जाते हैं। अब वहाँ उनके साथ क्या क्या अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और वो 10वीं सदी से 21वीं सदी में कैसे वापस आते हैं, ये सब हमें फिल्म में बहुत ही कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। 2003 में रिलीज हुई ये फिल्म एवरेज थी, लेकिन अगर आपको टाइम ट्रैवल फिल्में देखने का शौक है तो ये फिल्म बस आपके लिए ही है। नंबर 4, श्री। एक सिंपल सा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही खुशी से जिंदगी बिता रहा है, लेकिन तभी उसे एक ऑफर मिलता है 12 घंटे में 20 लाख रुपए कमाने का, ताकि उसे आजमाया जाए कि क्या वो फ्यूचर में जाके वापस आ सकता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जिनके ऊपर भी ये टेस्ट हुए हैं वो सब फेल हो गए थे। अब क्या वो फ्यूचर में जाता है और आगे उसके साथ क्या क्या होता है, यही सब बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखाया गया है। फिल्म का सस्पेंस सबसे गजब का है, जहाँ आप कई लोगों पर शक करते हैं, जैसे कि पहले विलन कोई और लगता है लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि यार ये विलन है। अब कौन विलन है तो ये तो आपको फिल्म में ही मालूम पड़ेगा। फिल्म काफी अच्छी है, जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 3, बार बार देखो। क्या हो अगर आपको पता चले कि आज जो आप गलती कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या असर होगा, तो शायद आप वो गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। तो ऐसी ही कहानी इस फिल्म की है, जहाँ जय वर्मा दिया कपूर की कहानी देखने को मिलती है। जय शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अपने फ्यूचर में नाम कमाना है, लेकिन एक रात जब वो सोता है और उठता है तब पता चलता है कि उसकी शादी हो गई है और 10 दिन भी बीत चुके हैं। इसी तरह से एक नींद में वो अलग अलग टाइम में उठता है, जहां उसे पास्ट की गलतियां अब दिखती हैं। तो क्या वो अपनी गलतियों को सुधार पाएगा या फिर कुछ और होने वाला है, तो यही हमें फिल्म में देखने को मिलता है। फिल्म अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि फिल्म थोड़ी सी लंबी है, लेकिन फिर भी आप एक बार तो फिल्म देख ही सकते हैं। नंबर 2, एक्शन रिप्ले। एक्शन रिप्ले फिल्म भी पास्ट की गलतियों को सुधारने के ऊपर है, जहां हम प्रेजेंट में एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं जिनका एक बेटा है। बेटा अपनी माँ बाप के झगड़े से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब डिवोर्स लेने जा रहे हैं। लेकिन तभी उनका बेटा सोचता है कि वो पास्ट में जाके अपने माँ बाप की गलतियों को सुधारेगा। तो ये फिल्म उसी की जर्नी है, जहां हमें ऐसे ऐसे कॉमेडी सीन देखने को मिलते हैं जिसे देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। 2010 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास नहीं गई थी, लेकिन फिल्म एक बार देखने लायक तो है ही, और यार अक्षय कुमार की फिल्म है तो भला कौन नहीं देखना चाहेगा। नंबर 1, लव स्टोरी 2050। लव स्टोरी 2050 में जो फ्यूचर का मुंबई दिखाया गया है वो काफी गजब का है, और इस फिल्म का वही एक सीन है जो पूरी फिल्म में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम अच्छा कह सके। फिल्म में बॉलीवुड की वही टिपिकल स्टोरी है, जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, लड़की मर जाती है और फिर लड़का फ्यूचर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। यही फिल्म की कहानी है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिल्म में कुछ ऐसे सीन हैं जिन्हें आप जरूर देखना चाहेंगे, और वही कुछ एक सीन फिल्म में अच्छे लगते हैं। 2008 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास नहीं गई थी, लेकिन एक टाइम ट्रैवल फैन इस फिल्म को जरूर देखना चाहेगा। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड में बनी कुछ टाइम ट्रैवल फिल्में, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए, और अगर देखा है तो इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।